hello everyone <coughs> how are you i hope you are well and doing well and stay home at during that condition now we are going to discuss 15 most important mcq questions that are related to the ketone species you know guys ketone is a most important topic of

की टोन स्पीसीज़ की कॉन्सेप्ट से दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि प्रायोरिटीज ऑफ इकोसिस्टम फंक्शन इकोसिस्टम फंक्शन एक अलग टॉपिक होता है जो इकोसिस्टम सर्विसेज इकोसिस्टम एंड इकोसिस्टम रेगुलेशन के फील्ड में आता है कि इकोसिस्टम फंक्शन की जो स्पीसीज इकोसिस्टम के अंदर होती हैं या उस पार्टिकुलर इकोसिस्टम से हमें क्या क्या चीज़ प्रोवाइड होती है ये सब इकोसिस्टम सर्विसेज में आता है और फंक्शन जो होते हैं ऑर्गेनिज के वो इकोसिस्टम फंक्शन में आते हैं ठीक है तो कहने का मतलब है कीटोन स्पीसीज की जो स्टडी करते हैं पूरी जो इसकी धारणा है कॉन्सेप्ट वो किस चीज़ में मतलब मदद करती है किस चीज़ को मतलब कैलकुलेट करने में रेगुलेट करने में या उसके ऊपर काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो इसका सबसे क्लियर आंसर है कि प्रॉर्टी ऑफ स्पीसीज फॉर कंजर्वेशन एंड हैबिटेट इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन जब हम कीटोन स्पीसीज कॉन्सेप्ट की स्टडी करते हैं तो हमें ये आइडिया होता है कि कौन सी स्पीसीज इको के लिए महत्वपूर्ण है और कौन सी नहीं है ठीक है तो इसमें यह है कि हमें ये आइडिया होता है कि हम उसके हैबिटेट को और उस स्पीशीज़ को पर्टिकुलर प्रोटेक्ट करें ठीक है जिससे इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहे और इकोसिस्टम की जो सर्विसेज हैं इकोसिस्टम के जो फंक्शन है वो सब मेंटेन रहे तो मोस्ट अप्रोबेड आंसर जो है इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन फर्स्ट मतलब ए करेक्ट आंसर है ठीक है गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कीटोन स्पीसीज के नीचे दिए गए चार जो ऑप्शन है उसमें कीटोन स्पीसीज का फ्यूचर मतलब उससे रिलेटेड या कंसर्न नहीं है तो पहले ऑप्शन में कह रहा है कि इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी इज़ मच लार्जर देन वुड बी एक्सपेक्टेड इट्स अबंडेंस कि कह रहा है कीटोन स्पीसीज़ की जो नंबर होती है और उसके फंक्शन कि भी जो रिलेशनशिप है सारे कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करने के संबंध में वो जो होता है कि मच लार्जर कि नंबर अगर कम है तो इम्पैक्ट उसका लार्जर होगा ये बात ठीक है क्योंकि की जो कीटोन स्पीसीज होती हैं उनका नंबर जनरली इन इको में बहुत ही कम होता है बट उनका जो इम्पैक्ट होता है उनका जो इफेक्ट होता है इकोसिस्टम पर इको सिस्टम के पूरे रेगुलेशन पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा हाई होता है ठीक है सेकेंड ऑप्शन में कहता है कि कीटोन स्पीसीज आर कैपेबल ऑफ मॉडिफाइंग इन्वायरमेंट आइदरवाइज बाई प्रोडक्ट्स आर एक्सप्लेटेशन ऑफ रिसोर्सेज ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि क्यूटोन स्पीसीज वही होती हैं जिनके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो इकोसिस्टम इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर सकें ठीक है किस तरीके से बाई द प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके या फिर जो रिसोर्स इन्वायरमेंट में या फिर इकोसिस्टम में प्रेजेंट है उनके एक्सप्लोटेशन के थ्रू ठीक है और थर्ड ऑप्शन में कहता है कि स्पीसीज ऑफ द लोअर ट्रॉफिक लेवल एक्ट एज ए कीटोन स्पीसीज तो लोअर ट्राफिक लेवल किसी इकोसिस्टम में हम जाएँ तो हमें दो तरीके के ट्राफिक लेवल होते हैं कि हाइयर ट्रॉफिक लेवल और लोअर ट्रॉफिक लेवल तो ये लोअर अपर हो गया और ये लोअर हो गया गायब तो हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं किसी इकोसिस्टम में तो हम देखते हैं कि स्पीसीज़ का नंबर बढ़ता चला जाता है कंटिन्यूसली जबकि जो कॉन्सेप्ट है कीटोन स्पीसीज की वो ये बताती है कि कीटोन स्पीसीज़ का नंबर जनरली कम होता है ठीक है कम मतलब बहुत कम होता है एक दो के करीब होता है पूरे इकोसिस्टम को ये मेंटेन करते हैं तो ये वाला जो स्टेटमेंट है कि लोअर ट्रॉफिक लेवल लोअर ट्रॉफिक लेवल पे जो स्पीशीज का नंबर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा जबकि हायर ट्राफिक लेवल पे नंबर कम होता है तो ये वाला पॉइंट जो है कम्प्लीटली यहाँ पर गलत है मतलब नॉट ए फीचर ऑफ कीटोन स्पीसीज चलिए हम फोर्थ भी देख लेते हैं क्या कहता है कीटोन स्पीसीज यूजली फंक्शन टू स्टेबलाइज द इकोसिस्टम करेक्ट आंसर है इसके बारे में कि भाई कीटोन स्पीसीज होती हैं वो इकोसिस्टम को स्टेबलाइज या उन्हें बैलेंस करने का काम करती हैं ठीक है तो ऑप्शन ए भी सही है और बी भी सही है और डी भी सही है तो इसमें है कि नॉट ए फीचर ऑफ तो नॉट ए फीचर आपका मतलब हुआ कि कीटोन स्पीसीज जो है वो लोअर ट्राफिक लेवल पे पाए जाने वाले नॉर्मली जो एनिमल प्लांट है कोई भी चीज़ है वो कीटोन स्पीसीज का काम नहीं कर सकते क्योंकि लोअर ट्रॉपिक लेवल पे नंबर ज़्यादा होता है बट कीटोन स्पीसीज कॉन्सेप्ट के केस में ये कहा जाता है कि जो नंबर कम होता है किसी इको में जो एनिमल्स है जो प्लांट ये जो माइक्रो ऑर्गेनिक कम नंबर में होते हैं वो कीटोन स्पीसीज का, का काम जनरली करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड इन बीच फॉलोइंग इज कीटोन स्पीसीज इस इसमें सिंपली आपको आइडेंटिफाई करना है कि कीटोन स्पीसीज़ कौन सी है कौन सी नहीं है तो पहला गाइज ये जो है बोल्ब्स ठीक है सेकेंड है फ्रॉग थर्ड है डॉग और डी में कह रहा कराई इसमें से कोई भी नहीं है तो ऑलरेडी मेरे नोट्स में आपने देखा होगा कि जो बोल्ब्स हैं इसका डायग्राम आप नीचे देख लें मैंने डायग्राम भी लगाया बड़ी ब्यूटीफुल डायग्राम है आप इन्हें देखें कि बोल्ब्स क्या होता है देखिए ठीक है ये देखिए आप ये आपको लग रहा है कि कि मेज़र है और पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल कर सकता है ठीक तो है तो इसमें क्लियरली ये कि क्वेश्चन नंबर थ्री में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बॉल क्योंकि फ्रॉग की नंबर ज़्यादा होगी किसी भी इकोसिस्टम में और डॉग की भी नंबर ज़्यादा होती है तो बॉफ्फ की नंबर कम होती है इससे भी क्लियर होता है कि किसी सिस्टम में या किसी इको में जो बॉल्फ है वो कीटोन स्पीसीज का काम करेगा ठीक है अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि बॉल्ब किस तरीके से कीटोन स्पीसीज का काम करता है ये इंपॉर्टेंट है जानना कि यहाँ पर क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं कि हम सिंपली क्वेश्चन करके आंसर निकाल लें देखिए यहाँ पे आप ये देखें कि जो बॉल्ब होता है वो कैसे करके कीटोन स्पीसीज का काम करता है कीटोन स्पीसीज़ की पांच कैटेगरी होती है किसी इको सिस्टम में पाँच तरीके के कीटोन स्पीसीज़ होती हैं एक होते हैं प्रीडेटर्स दूसरे होते हैं मॉडिफायर्स तीसरे होते हैं प्रे चौथे होते हैं म्यूचुअलिस्ट और पाँचवें होते हैं होस्ट ठीक है तो जो बॉल्ब है जो प्रीडेटर लेवल का इसका आपका इसका साइज़ देख के देख रहे हैं कितना हैवी है और डॉग कितना लग रहा है ठीक है बड़ा सा एनिमल तो ये प्रीडेटर कैटेगरी में है ये जो होता है दूसरे जो एनिमल्स होते हैं हरबी बोरस लाइक डीर याक या, उनके ऊपर ये फीड करता है ठीक है किसी इकोसिस्टम में अगर याक का नंबर बढ़ जाता है तो वो दूसरे जो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे फ्लोरा होते हैं वहाँ के उन्हें डैमेज कर देता है कम्प्लीटली ठीक है तो बॉल्ब जो होता है वो प्रिडेटर कैटेगरी का है तो ये याक के ऊपर अटैक करके उसे खत्म कर देता है या उनकी नंबर को रेगुलेट करता है और इस प्रकार से पूरे इकोसिस्टम में दूसरे जो हर्बी एनिमल्स हैं और जो फ्लोरा है उन सब का नंबर और उन सब का जो सर्वाइवल है वो रेगुलेट रहता है तो इन दिस सिस्टम में कीटोन स्पीसीज का, का काम कौन करेगा बॉल्ब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार फिश य ऐसे बोलते हैं पिजास्टर इज एक कीटोन स्पीसीज ठीक है इसमें ऑलरेडी बोला इसने कि पिजास्टर या स्टारफिश कीटोन स्पीसीज है बट वाई कैसे करके है तो इसे हमें आंसर देना है तो ये फोर ऑफ देखिए ईट्स द अदर स्पीशीज ये दूसरी स्पीशीज को खा जाता है सेकेंड पॉलीनेट द प्लांट प्लांट को पॉलीनेट करता है थर्ड में कह रहा है कि बोथ मतलब दूसरी स्पीशीज को ईट भी करता है प्लांट को पॉलीनेट भी करता है ठीक है दोनों फंक्शन के लिए या भी थर्ड वन कह रहा है फोर्थ वन कि दे बिल्ड थिंग्स फॉर द अदर स्पीशीज तो करेक्ट आंसर इसका है कि जो स्टारफिश है या पिजास्टर है ये ऐसे कुछ काम करता है जो दूसरे स्पीसीज जो इकोसिस्टम की स्पीसीज हैं उनके लिए सर्वाइवल उनका रेगुलेशन मेंटेन रहता है तो इसका करेक्ट आंसर है कि दे बिल्ड थिंग्स फॉर अदर स्पीसीज ठीक है फ्रेंड्स इसका देखिए पिजास्टर का डायग्राम कैसा होता है आप देखिए पिजास्टर क्या ये ये है ये देखिए ये जो एनिमल्स है ये पिजास्टर कहलाता है इसका आप साइज देखें ये एक टाइप का स्टारफिश दे बिलोंग टू तो दाइनोडर मेटा इसका मतलब है कि ये इनवर्टिव एनिमल्स होते हैं ठीक अब इसे और थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं करूँगा आपके लिए कि ये कैसे करके ये काम करता है पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ठीक है रेगुलेटर इसका आंसर तो ये हो गया कि भाई दे बिल्ड थिंग्स फॉर अदर स्पीसीज ठीक है तो पिजास्टर जो होता है ये भी कीटोन प्रीडेटर कैटेगरी में आता है ठीक कीटोन प्रीडेटर्स का मतलब हुआ कि दूसरे एनिमल्स को जो हर्ब्स या हर्बीवरस एनिमल को अफेक्ट करते हैं और उनका नंबर डिक्रीज कर देते हैं इस तरीके से इकोसिस्टम की जो बैलेंसिंग है उसे डिसबैलेंस कर देते हैं ठीक है तो पिजास्टर जो होता है उसे प्रे करता है प्रे का मतलब उसे फीड कर देता है या उनके नंबर को रेगुलेट करता है जिससे पूरा इकोसिस्टम में जो इक्विलिब्रियम है नंबर का हर्बीवोर्स का और अदर एनिमल्स का वो मेनटेन रहता है ठीक है तो इसका मतलब वो कि दे बिल्ड थिंग्स फॉर अदर स्पीसी ये दूसरे स्पीसीज़ के लिए भी एक सिस्टम तैयार करता है जिससे इकोसिस्टम की जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल बनी रहे नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव है कि व्हाट टाइप ऑफ कीटोन स्पीसीज इज बी जो बी होती है मक्की मधु मक्की बोलते हैं वो किस टाइप की मतलब कीटोन स्पीसीज है देखिए हमने बोला ना फाइव कैटेगरीज हैं प्रे हैं इंजीनियर हैं म्यूचुअलिस्ट हैं प्रीडेक्टर हैं और एक होते हैं होस्ट और एक होते हैं इसमें ये वाली जो कैटेगरी है ना इंजीनियर ये कैटेगरी इसकी नहीं होती है जो पाँच कैटेगरी है उसमें प्रे होता है म्यूचुअलिस्ट होता है प्रीडेक्टर्स होता है और होता है आपका मोडिफायर्स uh, होते हैं और एक होता है होस्ट ठीक है तो जो बी है वो एक स्मॉल सी मतलब एनिमल्स होती है तो ये क्या करेगी दूसरे एनिमल के साथ एसोसिएशन या दूसरे प्लांट के साथ एसोसिएशन तो ये क्या कर सकती है आपने टेक्सोनॉमी पढ़ा होगा कि बीज जो भी इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं प्लांट को पॉलिनेट करते हैं कि एक प्लांट है तो उसे पॉलीनेट कौन करेगा वीज ठीक है तो इस तरीके का फंक्शन क्या कहलाता है म्यूचुअलिस्ट तो वी जो है वो कीटोन स्पीसीज़ तो है बट किस टाइप कैटेगरी में आती है ये म्यूचुअलिस्ट में आती है क्योंकि ये एक परस्पर जैसे बोलते हैं हिंदी में रिलेटिव एसोसिएशन करती है बाईपोलिनेटिंग द प्लांट्स ठीक है और वो प्लांट जो है दूसरे एनिमल के लिए एज ए फूड एज ए फूड अगर काम करते हैं जिससे पूरा इको की जो फंक्शनिंग है उसकी जो सर्विसेज हैं वो मेनटेन रहती हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट टाइप ऑफ कीटोन स्पीसीज इज ए ब्लैक टेल्ड प्रेरी डॉग इस सेम क्वेश्चन जैसा ऊपर था यहाँ पे एनिमल चेंज कर दिया इन्होंने केवल ये पूछा कि जो ब्लैक टेल्ड प्रेरी डॉग है ये एक डॉग होता है नॉर्मल जिस हम कुत्ता बोलते हैं यहाँ पे है ब्लैक टेल्ड प्रेरी डॉग वो किस टाइप का कीटोन स्पीसीज है तो देखिएगा यहाँ पे फिर वही आप उठा रही इन्हें प्रे इंजीनियर म्यूचुअलिस्ट एंड मॉडिफायर्स हमने बोला ना कि इंजीनियर कोई टाइप का नहीं होता म्यूचुअलिस्ट होते हैं मॉडिफायर्स होते हैं प्रे होते हैं प्रेडेटर्स होते हैं एंड होस्ट होते हैं ठीक है तो सबसे पहले आप लोग इसका डायग्राम देखें कि ये किस तरीके कितना बड़ा एनिमल है कि ब्लैक देखिए ये ब्लैक टेल्ड प्रेरी डॉग ये आप लग रहा है इसका देखिए ब्लैक टेल्ड ये ब्लैक टेल्ड प्रेरी डॉग होता है प्रेरी टाइप का बायोम होता है वेयर इट इज फाउंड ओके तो आप इसे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में आप लोग देखें क्लियरली कि व्हाट टाइप ऑफ क्यूटोन स्पीसीज इज ब्लैक टेल्ड प्रेरी डॉग प्रे है इंजीनियर है म्यूचुअलिस्ट है या मॉडिफाइड से है ठीक है तो ये प्रेरी डॉग क्या करता है आप इसे देखिए प्रेरी डॉग जो होता है वो मॉडिफाइड कैटेगरी का कीटोन स्पीसीज़ है मॉडिफाइड का मतलब होता है कि ये जो इसकी एक्टिविटी से दूसरे एनिमल्स के लिए ऑप्शंस ओपन होते हैं ठीक है थीके? इसी कैटेगरी का एक एनिमल्स आपको क्वेश्चन नंबर सेवन में दिख रहा है अमेरिकन एलिगेटर्स ठीक है तो ये भी जो है एक टाइप का मॉडिफाइड टाइप का कीटोन स्पीसीज है मॉडिफाइड टाइप का कीटोन स्पीसीज़ है जो इसकी एक्टिविटी से दूसरे एनिमल्स को इकोसिस्टम में मेंटेन रहने के लिए या उनकी नंबर को रेगुलेट करने में मदद मिलती है कहने का मतलब है प्रेरी डॉग की एक्टिविटी से इको के दूसरे एनिमल्स को हेल्प मिलती है जिससे कि उनकी नंबर उनकी फंक्शन सब कुछ मेंटेन रहता है ठीक है तो गायज इसका आंसर जो है मोडिफायर्स ठीक है मोडिफायर्ड कैटेगरी का कीटोन स्पीसी है नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन है कि इन विच आर फॉलोइंग इज एक या आर ए कीटोन मोडिफायर्स अब इन्हें क्वेश्चन भी पूछ लिया कि मोडिफायर कौन है इसमें से रेड नेक्ड सेप सेकर एक टाइप का बर्ड होता है फिर कह रहा है कि ब्लैक टेल्ड प्रेरी डॉग ये मोडिफायर्स होता है या अमरीकन एलिगेटर मोडिफायर्स होता है या आल ऑफ दी एप देखिए हमने बताया था कि ओवर ब्लैक टेल्ड जो प्रेरी डॉग है वो तो मोडिफायर्स है और अमेरिकन एलिगेटर भी मोडिफायर्स है और आंसर इसमें दोनों दिए हुए हैं तो फिर आल ऑफ़ दी एप भी दिया हो तो क्लियर है कि रेड नेक्ड सैप सकर भी एक टाइप का मोडिफायर्स है तो इसका क्लियर आंसर हुआ ऑप्शन डी आल ऑफ़ दी दफ कि रेड नेक्ड सैप सकर जो होता है एक बर्ड होता है ब्लैक टेल्ड प्रेरी डॉग एंड अमरीकन एलिगेटर आल थ्री आर की स्टोन मोडिफायर्स तो इसमें आप एक मिनट फिर से डायग्राम देखें कि जो ये आपका है ना रेड नेक्ड सेफ्ट ये देखिए डायग्राम में देखिए ये जो एनिमल क्या होता है पॉलिनेट करता है ठीक है तो ये यहाँ पे जो है एक तरफा पॉलिनेट करता है ये मॉडिफायर्स है ठीक है ना कि ये म्यूचुअलिस्ट है और बाकी दो तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये वाला जो है आपका ब्लैक टेल्ट डॉग ठीक है ये भी मॉडिफायर्स है तो इसका आंसर क्लियर होता है आलपती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस कि व्हाट टाइप ऑफ कीटोन स्पीसीज इज ए ब्लैक बेलिड सेलामेंडर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन का ट्रेंड वही रहता है कि ब्लैक बेलिड सेलामेंडर किस टाइप का कीटोन स्पीसीज है प्रे है इंजीनियर है म्यूचुअलिस्ट है या प्रिडेक्टर्स है तो ब्लैक बेलिड सेलामेंडर्स जो है वो तो किस कैटेगरी में आता है आपको ये इसमें से क्लियर करना है जैसे मैंने अभी क्वेश्चन कराया आपको सेम वही ट्रेंड लाना कि कैसे करके कीटोन स्पीसीज़ का काम करता कीटोन है कीटोन स्पीसीज तो है मगर किस कैटेगरी का है फाइव में कौन सी कैटेगरी को ये बिलोंग करता है ठीक है तो आप लोग इसे क्लियरली बताएं कीटोन स्पीसी का आपने अगर डायग्राम देखा है तो आप इसे बता सकते हैं कि कैसे करके ये अपना काम करता है तो ये किस कैटेगरी का है बताइए इंजीनियर म्यूचुअलिस्ट एंड प्रीडेटर्स तो जैसा कि देखना कि सेलैमेंडर जो होता है नॉर्मली क्या होता है किस ग्रुप का होगा किस वीवेड ग्रुप का होगा तो ये एम्फीबिया होता है सेलेटामेंडर ठीक है तो ये आपका आता है प्रे में इसे दूसरे लोग कैप्चर कर लेते हैं ठीक है इसका नंबर बढ़ना इको की फंक्शनिंग के लिए हार्मफुल होता है तो इट इज़ यूज एज ए प्रे बाय द अदर एनिमल्स एज इको सिस्टम फंक्शनिंग एंड सर्विस विल बी मेंटेंड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिमूवल ऑफ कीटोन स्पीसीज अफेक्ट दी अगर किसी कीटोन स्पीसीज का इकोसिस्टम से रिमूवल हो जाए या बिल्कुल डिसअपियर हो जाए तो वाट डेंस क्या होगा इकोसिस्टम के ऊपर उसका असर पड़ेगा प्रोड्यूसर को पड़ेगा कंज्यूमर्स अफेक्टेड होंगे या डिकम्पोजर्स अफेक्टेड होंगे ठीक है तो गैस तो आप जानते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर सभी जो मिलकर क्या बनाते हैं इको सिस्टम बनाते हैं और हमने बताया कि कीटोन स्पीसीज कीटोन का मतलब ये होता है की स्टोन मतलब वेरी इंपॉर्टेंट अगर ये कहीं से तो डैमेज हो जाती है तो इसका एक सिंपल सा असर होता है कि पूरा इको ही कोलेक्स हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बोल पैक हंट्स किल्स एंड फीड ए मूज मूज एक एनिमल्स होता है और ये बोल्फ एक एनिमल होता है अगर कह रहा है कि बोल्फ जो होता है वो मूज को किल कर देता है उसे फीड करने के लिए तो दिस स्ट इन दिस स्ट जो ये हुआ है बोल्फ फॉर मूज के इंट्रक्शन इसमें मूज का जो कैटेगरी है वो किस उसमें आएगा प्रे में आएगा होस्ट में आएगा प्रेडिटर्स में आएगा या म्यूचुअलिस्ट में आएगा ठीक है गाय तो इस इसमें ये किस में आएगा प्रे में आएगा क्योंकि बोल जो है मूज को कैप्चर कर रहा है मतलब अपना प्रे बना रहा है शिकार कर रहा है उसका तो ये प्रे कैटेगरी में वेरी सिंपल क्वेश्चन आई थिंक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है अबाउट द कीूटॉन स्पीसीिस तो उसमें कोई वो नहीं है प्रॉब्लम नहीं हो चाहिए अच्छा बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लांट से रिलेटेड है कीट्टॉन स्पीसीज तो हमारे प्लांट की बात कर रहे हैं हम लोग वाट टाइप ऑफ क्यूटॉन स्पीसीज क्यूकिंग एस्पिन एस्पिन एक आपने देखा बहुत ब्यूटीफुल मतलब फ्लावर होता है येलो कलर का अभी हम आपको उसका डायग्राम भी दिखा दे रहे हैं आपको लगेगा बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा डायग्राम देखिए ये जो होता है इसे बोलते हैं क्यूकिंग एस्पिन ठीक है अब क्वेश्चन ये है कि ये किस तरीके की कीटोन स्पीसीज़ का काम करता है किसी इको अगर ये प्लांट खड़ा है तो ये इको में कीटोन स्पीसीज़ है बट किस टाइप का प्रे टाइप का है होस्ट टाइप का है कीटोन म्यूचुअलिस्ट टाइप का है या कीटोन मोडिफाइड टाइप का है तो देखिए इसमें सिंपल सा एक प्लांट है ये कीटोन होस्ट का काम करेगा कैसे का करके कि एक बहुत थिक कैनोपी बनाएगा ये प्लांट हो गया इसमें ठीक है इस कैनोपी की वजह से इसका जो जो ग्राउंड वाला एरिया है यहाँ पे एक टाइप का रिजर्वायर बन जाएगा जब मान लो एक श्रम स्थल जहाँ पर दूसरे एनिमल जो कि उस इकोसिस्टम में पहले प्रेजेंट नहीं थे वो आके यहाँ पे रहेंगे क्योंकि इसकी कैनोपी जो है यहाँ पे एक अच्छा एटमॉस्फेयर जहाँ पे सनलाइट जो है कम आएगी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा ठीक है इसकी वजह से दूसरे एनिमल्स यहाँ पर आके रहेंगे तो जो क्यूकिंग स्पेन प्लांट है वो एज ए कीटोन किस कैटेगरी का है होस्ट है कीटोन होस्ट कैटेगरी का कीटोन स्पीसीज है नेक्स्ट क्वेश्चन का कीटोन स्पीसीज इज़ वन दैट यहाँ पे आपको सिंपली एक डेफिनेशन पूछा आपसे आप मेरे लेक्चर को देखेंगे इसका पहला लेक्चर उसमें क्लियर बताया गया कि कीटोन स्पीसीज क्या होती है देखिए कीटोन स्पीसीज दैट इज वन एबल तो एक्सटेंशन बनेबल मतलब तो ओपन टू अटैक टू एक्सटेंशन मतलब तो खत्म होने के कारण के लिए वो बिल्कुल अटैक के लिए तैयार है उस उसमें कोई भी अटैक कर सकता है ठीक है दूसरे ऑप्शन में कहता है कि कीटोन स्पीसीज दैट इज़ विद रेस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की कीटोन स्पीसीज बहुत ही जो पार्टिकुलर एरिया में ही रहती है कहीं दूसरी जगह नहीं जाती है तीसरे ऑप्शन में कहता है कि स्ट्रांगली अफेक्ट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोलॉजिकल कम्युनिटी या आल ऑफ द एबल तो इसमें गाइज करेक्ट आंसर है आंसर सी कि कीटोन स्पीसी जो होती है वो बहुत ही स्ट्रांगली किसी इको या अपने इको सिस्टम स्ट्रक्चर जहाँ पर वो रहती है उस इको सिस्टम के फंक्शन और उसके स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है उसमें उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है ठीक है नेक्स्ट गायज क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर थर्टीन स्पीसीज आर ग्रुप ऑफ स्पीसीज इन एज एन इंडिकेटर फॉर द स्टेट ऑफ एन इको सिस्टम इज कार्ड गायज मैंने यहाँ पे जो था कीटोन स्पीसीज के बारे में जब पढ़ा रहा तो मैंने देखा कुछ क्वेश्चन और रख दिए हैं तीन चार टाइप की और स्पीसीज होती है जैसे आपके आएंगे इंडिकेटर स्पीसीज फ्लैगसिप स्पीसीज एंड अम्ब्रेला स्पीसीज तो इससे ये होगा कि कीटोन स्पीसीज ऑलरेडी आपको पता है तो इन दूसरी स्पीसीज की डेफिनेशन भी आप एक लाइन में क्लियर कर लेंगे मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में से बना के रखा है तो आपका ये पूरा स्पेसीज की जो टाइप्स हैं स्पेशल जो बात है इकोलॉजी में करते हैं या बायोलॉजिकल साइंस में प्लांट केस में उनका कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन की स्पीसीज आर ग्रुप ऑफ स्पीसीज चूज इन एज एन इंडिकेटर फॉर द स्टेट ऑफ एन इकोसिस्टम किसी इकोसिस्टम की स्टेट को कि वो किस अवस्था में इस टाइम है किस स्टेज में गुजर रहा है उसे इंडिकेट करने के लिए अगर किसी स्पीसीज या स्पीसीज ऑफ ग्रुप को रिप्रेजेंट कराया जाता है तो वो स्पीसीज सिंगली या फिर ग्रुप ऑफ स्पीसीज जो भी है उसे किस तरीके की स्पीसीज बोलेंगे अम्ब्रेला कहेंगे फ्लैगशिप कहेंगे या कीटोन कहेंगे या इंडिकेटर देखिए तो इंडिकेट करने के लिए हम ले रहे हैं तो हम इंडिकेटर स्पीसीज देंगे नो प्रॉब्लम वेरी सिंपल क्वेश्चन है अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर फोर्टीन उसमें देखिए स्पीसीज सेलेक्टेड टू एज एम्बेसडर एम्बेसीडर का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव जैसे इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका में रहता है चाइना में रहता है तो वो क्या होता है कहते हैं जो एम्बिसी होती है उसमें एम्बेसडर होता है ठीक है रिप्रेजेंटेशन जो करता है या आइकॉन होता है उसका मतलब एक पूरा ये भी टर्म सेम टर्म है आइकॉन सिंबल फॉर इ डिफाइंड हैबिटेट या किसी पर्टिकुलर इशू के लिए कंपेन के लिए और इन्वायरमेंटल काज के लिए किसी स्पीसीज का अगर यूज़ किया जाता है इकोसिस्टम के द्वारा तो उसे हम क्या बोलते हैं फ्लैक्सिप स्पीसीज मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दी कंसर्न प्रॉब्लम्स कंसर्न इकोसिस्टम के लिए तो उसे बोलते हैं फ्लैगसिप स्पीसीज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन सेम टाइप द स्पीसीज दैट आर सिलेक्टेड फॉर कंजर्वेशन बिकॉज द कंजर्वेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ दोज स्पीसीज इन डायरेक्टली अफेक्ट द कंजर्वेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ अदर स्पीसीज विद इन देयर इको सिस्टम इज रिफर्ड एज कि ये कह रहा है कि एक ऐसी स्पीसी जिसका हम सिलेक्टेड हुई है किसके लिए कंजर्वेशन के लिए और इसके कंजर्वेशन की वजह से और इसके प्रोडक्शन की वजह से उस इकोसिस्टम सिस्टम की कोई दूसरी स्पीसीज का कंजर्वेशन और प्रोडक्शन हो जाता है ठीक है जो उस इको में प्रेजेंट होती हैं तब उस सिलेक्टेड स्पीशीज़ को हम क्या बोलेंगे देखिए एक की वजह से दूसरे लोग भी उसके अंदर आ गए तो ये स्ट्रक्चर से ध्यान रखें अम्बरेला स्पीशीज कोई डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं कि किसी एक को हमने करा था और उसके चक्कर में बहुत सारे दूसरे भी लोग प्रोटेक्ट एंड जो हैं कंजर्व हो गए तो इस टाइप की कैटेगरी में क्या बात करते हैं कि ये जो स्पीसीज़ होगी उसे हम अम्ब्रेला टाइप स्पीसीज बोलेंगे दस इस प्रकार गायज जो है ना फिफ्टीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए आपको आप इन्हें ध्यान रखें मैंने उन एग्जाम्पल्स भी आपको दिखाएं ठीक है ये सब एस्पेंट्री वेरी ब्यूटीफुल बोल्फ वगैरह के तो इन लास्ट आई विल से टू यू कि प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर टू तो माई चैनल बायोलॉजी ब्लिस थैंक यू वेरी मच गैज